हेलो भाई लोगो, मैं हूँ चंदन भूरिया और आप देख रहे हैं B4 ज्ञान। तो चलिए मतवल की बात करते हैं सीधी। आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप प्ले स्टोर की सर्च बार में सर्च कर लें VIUGO, वीगो। ये जो ऊपर आ रहा है वीगो मैजिक इफेक्ट वीडियो एडिटर, तो आप इस पे क्लिक कर दें। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन का आ रहा है सीधा। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वीगो का बोलता है एलो, एलो मांगता है, तो एलो कर दें, फिर से एलो कर दें। और अभी लोडिंग हो रहा है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस वीगो का खुल के आता है। तो आप इसमें जो लेटेस्ट वीडियो इफेक्ट अभी बन रहे हैं और पजल वीडियो बन रहे हैं, वो सब इसी ऐप के जरिए बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी पिक्चर से ऐसे इफेक्ट कैसे बनाएं। तो आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये मोबाइल पजल में मैं क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें कुछ आ रहा है। इसमें ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रिसोर्स, आप डाउनलोड रिसोर्स पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस फोटो पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा चूज़ फ्रॉम गैलरी, तो आप चूज़ फ्रॉम गैलरी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो लेने के बाद मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद आप देखें इस तरह जो है ये मोबाइल पजल बन जाता है। तो आप यहाँ से म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे। इस तरह आप मोबाइल पजल बना सकते हैं। और आप यहाँ पे कर दें मेक। मेक करने के बाद ये जो है पिक्चर मेकिंग हो जाएगी और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, ख्याल रखें इस एप्लीकेशन के साथ आप इंटरनेट भी चाहिए, तो आप अपना डाटा ऑन करके रखें तभी इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। यहाँ पे बैक करने के बाद मैं आपको एक और नया इफेक्ट बताता हूँ। मैं क्लिक कर लेता हूँ कूल लाइटर का इफेक्ट। तो इसमें वही सेम प्रोसीजर, रिप्लेस फोटो पे क्लिक करें और चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लें। हाँ, आप यहाँ पे नीचे ऑल आइटम लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फोल्डर से मन पसंदीदा फ़ोटो उठा के यहाँ पे क्रॉप करके सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखो कितना कूल इफेक्ट आ जाता है। मेकिंग पे क्लिक कर दें और ये फ़ोटो जो है आपकी मेकिंग पे क्लिक करने के बाद जो है गए आपके फोल्डर में सेव हो जाती है। सेव होने के बाद इस तरह आप और भी इफ़ेक्ट चूज़ करके नई नई वीडियो बना सकते हैं। हाँ, आपको मैं दिखा दूँ जो वीडियो मैंने बनाई है वो कहाँ पे सेव हुई है। तो मैं इस बैक एप्लीकेशन को बैक कर लेता हूँ और अपने फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद जो यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल में DCIM कैमरा का फोल्डर रहता है, उसमें चले जाएं और यहाँ पे ओपन कर लें। और हाँ, यहाँ पे रिज़ल्ट फोल्डर बना होगा, रिज़ल्ट वीडियो का फोल्डर बना होगा, उसमें आप क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो वीडियो मैंने बना के रखी हैं वो सभी इसमें पड़ी हैं। तो इस तरह आप कूल और बढ़िया वीडियो बना सकते हो।